हेलो एवरीवन, मायसेल्फ संदीप कुमार महांती। आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू अबाउट दी हाइड्रोजन, दी फ्यूचर फ्यूल फॉर क्लीन एनवायरनमेंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो पहला होगा इंट्रोडक्शन, एंड सेकेंड होगा हाइड्रोजन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, देन थर्ड आएगा व्हाट इज जीरो एमिशन फ्यूल, देन फोर्थ आएगा हाउ हाइड्रोजन फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड, देन फिफ्थ हाउ हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्क, देन सिक्स एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल, देन सेवन एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल, एट्थ में आएगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार, प्रॉब्लम्स विद हाइड्रोजन एंड इनिशिएटिव्स एंड कंक्लूजन। सो कम अबाउट द इंट्रोडक्शन, ह्यूमन इज फेसिंग अपहिल बैटल व्हेन इट कम्स टू प्रिजर्विंग आवर प्लैनेट। देन क्योंकि क्लाइमेट चेंज के वजह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ और वेदर चेंजेस, फ्लॉड्स, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सम द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक्सपर्ट्स से दैट वी नीड टू स्टॉप ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल। ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा कहाँ से, जब प्री इंडस्ट्रियल लेवल में, मतलब जब इंडस्ट्रीज नहीं था तब, वहाँ तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर आज का टेम्परेचर को रखना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, क्या करना पड़ेगा ना, टू डू दिस ग्लोबल कार्बन एमिशन नीड टू ड्रॉप टू जीरो बाय 2050। तो क्या करना पड़ेगा ना, 2050 तक जो हमारा ग्लोबल कार्बन एमिशन है, जो कार्बन निकलता है, उसको हमें जीरो तक पहुँचाना पड़ेगा। तो इट विल टेक ए वेराइटी ऑफ सोल्यूशन, मतलब इसका बहुत सारे सोल्यूशन हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मोस्ट अप्रिसिएटिंग और जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा है या एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ये ग्रीन हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज द फ्यूल ऑफ फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन क्या क्या बोलते हैं ना, फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट हैज नेट जीरो कार्बन, इसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं निकलता है, एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरनमेंट के लिए 100% सेफ है। देन हाइड्रोजन इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसका एटॉमिक नंबर है 1 और मोलर मास 1, एंड हाइड्रोजन का मोलिकुलर फार्मूला H2। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई एलिमेंट है तो वो है हाइड्रोजन। कितना है तो 75% मास ऑफ द यूनिवर्स इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ काइंड ऑफ, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि ये बहुत रिएक्टिव है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है और ये बाइंड करता है किसके साथ, अदर मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो हमें प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा या कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, तो ये जो आप ग्रीन, ब्राउन, येलो, पिंक, ब्लू हाइड्रोजन के बारे में ये लिखा हुआ होगा, उसको कैसे नेम करते हैं, क्योंकि जिस प्रोसेस से ये हाइड्रोजन हमें मिलता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या कहते हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज़ करके हम हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ब्राउन हाइड्रोजन में हम कोल को यूज़ करते हैं, येलो हाइड्रोजन के लिए हम सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, पिंक हाइड्रोजन के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं, और फाइनली ब्लू हाइड्रोजन के लिए नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। जिस प्रोसेस में ब्लू हाइड्रोजन बनता है उसको बोलते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। देन सबसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो टाइप ऑफ हाइड्रोजन है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। सो ग्रीन हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो कैसे प्रोड्यूस होता है ये ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें कोई एक इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो कहाँ से मिलता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर और विंड एनर्जी को यूज़ करके वो इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट करेंगे, उसको यूटिलाइज करके इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे वाटर का, और उसमें से हमें हाइड्रोजन मिलता है। तो जीरो एमिशन फ्यूल आखिर है क्या, तो जीरो एमिशन फ्यूल का दो कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो पहला जो है वो जीरो वेस्ट प्रोड्यूस करता होगा, और सेकंड जो है वो है टू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट का, कुछ भी पोल्यूशन नहीं करता होगा। देन हम हाइड्रोजन
को कैसे निकाल सकते हैं वाटर से, तो उस जो हम वाटर से या फिर किसी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से हाइड्रोजन को दो फॉर्म में निकाल सकते हैं, दो प्रोसेस से निकाल सकते हैं। जो पहला जो है बायोलॉजिकली डिराइव्ड, मतलब इसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है केमिकल प्रोडक्शन, मतलब इसमें कुछ केमिकल प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जैसे थर्मल प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी कैसे उसका हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हम निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम जिस प्रोसेस के माध्यम से हम वाटर को वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। तो इन दिस प्रोसेस वाटर इज स्प्लिटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इन दिस प्रोसेस क्या होता है ना, टू इलेक्ट्रोड्स को हम यूज़ करते हैं, वन इज कैथोड एंड अनदर इज एनोड। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव एंड होता है, और कैथोड जो होता है नेगेटिव एंड होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं वाटर में से, तो क्या होता है वो एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन कैथोड में आकर डिपॉजिट हो जाता है, और ये जो होता है ऑक्सीजन वो एनोड में आकर डिपॉजिट हो जाता है। अभी उसके बाद हम हाइड्रोजन से कैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल बना सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है फर्स्ट इन्वेंटेड कब हुआ था ना, 1839 में। इसमें क्या होता है ना, हाइड्रोजन फेड आर दी एनोड एंड ऑक्सीजन आर दी कैथोड। सो हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन क्या होता है ना, वो मॉलिकुलर हाइड्रोजन जो होता है वो एच प्लस आयन एंड इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट होता है एक कैटलिस्ट के बारे में, जो कि होता है प्लैटिनम कैटलिस्ट। उसके बाद ये जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन एक्सचेंज मेथड, ये जो बीच में दिख रहा है उसमें उसके से जाकर एच प्लस आयन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है। नीचे लिखा हुआ एयर एंड वाटर वेपर रिलीज हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है ना, ऊपर एक सर्किट बना हुआ है, उस सर्किट के अंदर जाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है या इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ये कौन सा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये जो है ये है किसी करंट, नॉर्मली जो बैटरीज में फोन्स में यूज होता है उस टाइप ऑफ करंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये जो प्रोसेस आपने देखा अभी, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल के क्या क्या एडवांटेजेस है वो देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल्स आर मोस्ट एफिशिएंट एंड फास्ट टू चार्ज, जैसे हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करने में या चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं। एंड ये क्या है, 2 to 3 times मोर एनर्जी कंपैरिजन टू अदर फ्यूल्स, मतलब जबकि पेट्रोल डीजल और गैसोलीन के मुकाबले ये 2 से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी हमें देता है उतना ही हाइड्रोजन। तो थर्ड में आता है लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट देन एयर फाउंड इन मोर हाइट, तो ये सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट है, तो बहुत मतलब एटमोसफियर में बहुत हाइट तक पाया जाता है। दी ओनली प्रॉब्लम इज दी कॉस्ट, तो प्रॉब्लम कॉस्ट है, लेकिन क्या करेंगे जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट को कम हो सकता है। तो हाइड्रोजन अवेलेबल एवरीवेयर, सब जगह यूनिवर्स में अवेलेबल है। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल में 0 carbon emission होता है। इसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, वाटर जो कि प्योर है उसको आप पी भी सकते हैं। तो हाइड्रोजन कैन बी जनरेटेड फ्रॉम इवन पॉल्यूटेड वाटर, तो पॉल्यूटेड वाटर मतलब जो वाटर बहुत गंदा है, गंदा पानी, उसमें से हम हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं कुछ प्रोसेस में ना, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस कब इन्वेंट हुआ था, इलेक्ट्रोलाइसिस 1805 में किसने इन्वेंट कराया था, माइकल फैराडे। देन H2 गैस थ्रू अ फ्यूल सेल प्रोड्यूस एनर्जी एंड वाटर वेपर। सो जब सीवेज से या गंदा पानी से हमें अच्छा पानी मिल रहा है तो इसको हम वाटर ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, तो ये वेस्ट टू वेल्थ भी बोल सकते हैं। तो अभी हाइड्रोजन वर्सेस अदर फ्यूल का कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले एनर्जी डेंसिटी का कंपैरिजन, मतलब पर केजी में कितना एनर्जी निकलता है। डीजल में 45.5 मेगाजूल पर केजी निकलता है, गैसोलीन में उससे थोड़ा ज़्यादा 45.8 मेगाजूल पर केजी निकलता है। बाय कॉन्ट्रास्ट हाइड्रोजन में 2 से 3 गुना ज़्यादा, मतलब देख सकते हैं 120 मेगाजूल पर केजी निकलता है। तो ये बहुत मतलब डेंस है एनर्जी, डेंस कौन सा, हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है। अभी कार्बन एमिशन का कंपेयर करते हैं, किसमें से कितना बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो विंड एनर्जी प्रोड्यूसर्स 4.64 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी जनरेशन करने के लिए
जितना भी विंड एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, 4.61। इस तरह सोलर पैनल में विंड एनर्जी से थोड़ा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि है 70 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोवाट आवर, क्योंकि उस सोलर पैनल्स वो सब इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए बहुत जो प्रोसेस यूज होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बट जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है उसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकलता, कुछ भी नहीं, नेट जीरो। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ये जैसे तो ये रॉकेट लॉन्चिंग सब आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे क्या होता है ना, ये रॉकेट फ्यूल में क्या किसको यूज करते हैं, हाइड्रोजन का, क्योंकि ये बहुत लाइट है एंड एनर्जी डेंस है, तो इसमें क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन को। देन आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, तो जो हमारे 3 मेजर सेक्टर्स है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, पावर, तीनों में ही हम हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं फ्यूल के तौर पर। तो ये इसमें आप देख सकते हैं इंडस्ट्री में 4 डोमिनेंट सेक्टर्स जो है स्टील, फर्टिलाइजर, रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल, ट्रांसपोर्ट में हेवी ड्यूटी बस, ट्रक, शिपिंग, एविएशन, ये सब में हम हाइड्रोजन को फ्यूल के तरफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल को यूज़ कर सकते हैं। पावर सेक्टर में ये जो हाइड्रोजन है वो एनर्जी कैरियर के रूप में काम करता है, तो इसको पावर स्टोरेज के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार। अभी टोयोटा, रिसेंटली टोयोटा ने एक कार बनाया है जिसका नाम है टोयोटा मिराई, जो कि है हाइड्रोजन से चलता है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये जो कार दिख रहा है, ये है टोयोटा मिराई जो कि हाइड्रोजन से चलता है। इसका जो रेंज है वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल से 2 या 3 गुना ज़्यादा है, जो कि लगभग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 200 से 300 किलोमीटर का रेंज देता है, ये 600 से 700 किलोमीटर तक का रेंज देता है, और इसमें पावर भी अच्छा मिलता है, और इसमें जो रिफ्यूलिंग टाइम है बहुत कम है, 5 या 10 मिनट में हम इसको रिफिल कर सकते हैं। अभी इसका कुछ प्रॉब्लम्स भी है, तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का क्या क्या प्रॉब्लम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स यूज होता है, और हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, इसका जो वॉल्यूम होता है या इसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है, तो ये बहुत बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो इसको स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेस चाहिए। एंड अगर हाई डेंसिटी की बात करें तो -253 डिग्री सेल्सियस, जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा पास है, एंड कैन बी स्टोर फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड, हार्ड टू कंटेन हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट के कारण इसको जो स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये क्या करता है ना, जिस कंटेनर में रहता है उसके मेटल को, क्रिस्टल्स को ब्रेक कर लेता है, तो उसमें लीक होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसको बेस्ट किस में स्टोर करके रख सकते हैं, कार्बन फाइबर्स के माध्यम से। तो इसको जो इस प्रोसेस से बनाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि बहुत एनर्जी इनएफिशिएंट प्रोसेस है, 1.5 मेगावाट हम एनर्जी यूज़ करेंगे, लेकिन हमें जो हाइड्रोजन मिलेगा उससे सिर्फ हम 1 मेगावाट एनर्जी पा सकते हैं। तो ये प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में। तो अभी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से कुछ इनिशिएटिव के बारे में बात कर लें। रिलायंस इंडस्ट्री अनाउंस किया कि तो कार्बन न्यूट्रल एंटिटी बन जाएगा 2035 तक। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया के 75th इंडिपेंडेंस डे में नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किए हैं, जिस अभी 2021-22 बजट में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए 800 करोड़ का प्रोजेक्ट बजट एलोकेशन हुआ है, जिसका एम है कि कॉस्ट कटिंग करना ग्रीन हाइड्रोजन का $2 पर केजी। दिस इज द वीडियो फॉर ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी यूजिंग टोयोटा मिराई एज हिज डेली व्हीकल टू प्रोड्यूस अवेयरनेस अमंग द पीपल फॉर यूजिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स। फाइनली कम्स अबाउट द कंक्लूजन, फ्यूचर इज अनसर्टेन
बाय एनालाइजिंग द करंट ट्रेंड, जैसे तापमान बढ़ रहा है देखते हुए हमें लगता है कि 2050 तक अर्थ विल बिकम अनफिट टू लिव इन, तो अर्थ में तभी क्लाइमेट चेंज के कारण अर्थ में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन हज उसमें बहुत पोटेंशियल है, तो सेफर अर्थ के लिए हम बना सकते हैं इसको यूटिलाइज करके। वी शुड नॉट फ्यूल द फ्यूचर विद द पोल्यूटिंग मेथड्स ऑफ द पास्ट, जैसे हम फसल फ्यूल आज यूज़ करते हैं वो सब फसल फ्यूल को यूज़ करके हम पोल्यूशन नहीं फैला सकते जो अर्थ के भविष्य के लिए बुरा होगा। तो हम वी हैव टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी है टू पावर द फ्यूचर इन वेज दैट डू नॉट थ्रेटन आवर हेल्थ, जो हमारे हेल्थ को भी कुछ बैड इफेक्ट नहीं पकाएगा और हमारे अर्थ को भी पॉइजन होने से बचाएगा। लेट्स चूज टू, हमें ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। दिस व्हेन योर चाइल्ड आस्क यू दैट दैट यू सेड द अर्थ लुक्ड ग्रीन, दिस प्रॉब्लम शुड नॉट कम, इट इज़ अपॉन यू व्हाट यू वांट फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन, अ ग्रीन नेचर और अ पोल्यूटेड अर्थ। सो choose the gift that you want to give. Thank you. Please subscribe our channel and press the bell icon to get notification about our videos.